इसमें डालो ना, इसमें डालो, इसी में। हाँ हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों मैं तो आपके साथ रेसिपीज़ वगैरह शेयर करता रहता हूँ, लेकिन जो मेरी आज की जो रेसिपी है वो है पीता चिप्स के बारे में। दोस्तों मैंने इसमें रेसिपी के साथ आपको मेथड भी बताया किस तरह से इसमें यूज़ किया हुआ है। इसमें जो पीता चिप्स में दोस्तों मैंने ओरिगैनो भी डाले हुए हैं, कई तरह के हर्ब्स भी जाएंगे, रोजमेरी भी जाएंगे और चाट मसाला वगैरह भी डाला हुआ है। आप इसको अपने घर में होममेड तरीके से ही बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जो आप मेरे सामने देख रहे हैं वो पीता चिप्स की रेसिपीज़ है जो मैंने आपको बताया। इसमें सुगर, सॉल्ट, ब्रेड इम्प्रूवर, ऑयल, ईस्ट, मैदा, मतलब कितना कितना जाएगा वो सारे इंग्रेडिएंट यहाँ पे आपके सामने, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी जो अपने रेसिपीज़ वगैरह होती है, क्योंकि मैंने आपको तोलते समय बताया नहीं है कि कितना कितना डालना है, लेकिन मैंने आपके सामने रेसिपी शेयर करी कि ये रेसिपीज़ आपको एक डो में तरीके से बनानी है। तो इस चीज़ के लिए आपको रेसिपी एक तरह से मेजरमेंट करनी होगी। सो मैंने ही पहले से रेसिपी अपनी मेजरमेंट करके रखी हुई थी, तो मैंने आपको साथ में आपको रेसिपी बता रहा हूँ। इसको मैंने बड़ी क्वांटिटी में लिया हुआ है, आप चाहे तो इसको छोटी क्वांटिटी में भी कर सकते हैं। सो इस चीज़ को, अब रेसिपी को मेजरमेंट करने के बाद अब एक साथ डो लगा देना। सो मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी वीडियोस पे जहाँ पे मैंने इस चीज़ का प्रोसेस किया हुआ है। सो फ्रेंड्स, जो आप ये देख रहे हैं ये एक साथ डो इंग्रेडिएंट है, जिसमें शुगर, सॉल्ट, ब्रेड इम्प्रूवर, ऑयल, ईस्ट, मैदा और कई तरह के हर्ब्स यूज़ किए हुए हैं, जैसे चिली फ्लेक्स, ओरिगैनो, बेसिल, रोजमेरी। जो अभी तीन चीज़ें देख रहे हैं, रोजमेरी, बेसिल्स, ओरिगैनो और साइड में चिली फ्लेक्स। सारे इंग्रेडिएंट को एक साथ डो लगाएंगे। देखिए धीरे धीरे इसमें डो की बिल्डिंग चल रही है। दोस्तों इसको बीच बीच में चेक भी करते रहना पड़ता है, क्योंकि जो हमारा डो है ज़्यादा उसमें हार्डनेस नहीं होनी चाहिए, ग्लूटेन अच्छी तरीके से बनना चाहिए, फटना नहीं चाहिए, तो इसीलिए इस चीज़ को बीच में चेक किया जाता है। और फिर से मैंने इसको नीडिंग पे रख दिया है। देखिए दोस्तों, डो होने के बाद मैं इसको बेलना स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने जो इसको बेला हुआ है मशीन से बेला हुआ है, आप चाहे तो जिस तरीके से घर में बेलते हैं उस तरीके से बेल सकते हैं। अगर आप मशीन में बेलेंगे तो दोस्तों दो नंबर में इसको चीज़ को बेलना है, और अगर आप घर में बेलते हैं तो जितनी तरीके जिस तरीके हमारी रोटी होती है उस तरीके से इसे बेलना है, मतलब उतना ही पतला करना है। फिर दोस्तों इस चीज़ को काटना शुरू करना है। काटना कैसे है आपको, जो हमारी बेकिंग ट्रे होती है उस चीज़ को उल्टा करना है, सीधा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप सीधा करोगे तो उसके कोने लगेंगे काटते समय। भारी में लो, 60 किलो वजन में हल्के में कैसे ले सकते हो? सो फ्रेंड, जब हम काटते हैं तो डिज़ाइन किस तरीके से देना है, चाहे आप स्क्वायर में दे सकते हैं, रेक्टेंगल में दे सकते हैं, ठीक है, वो आप डिज़ाइन पे होता है। मैंने इस चीज़ के छोटे छोटे डिज़ाइन दे दिए, जैसे हमारे पीता चिप्स होते हैं। ट्रायंगल शेप में इस चीज़ को काटा हुआ है। काटने के बाद मैंने इस चीज़ को प्रूविंग में डाला हुआ है। प्रूविंग में दोस्तों इसलिए डालते हैं क्योंकि पीता चिप्स है, लवास नहीं है, तो इस चीज़ को हम इसे प्रूविंग में डालेंगे। प्रूविंग में मॉइस्चर आ गया, यानी कि प्रूफ होना स्टार्ट हो गया है। अब करीबन 15 से 20 मिनट इस चीज़ को प्रूफ में डालेंगे। प्रूफ में डालने से ये होगा कि जो हमारी जो पीता चिप्स होती है उसमें एयर आनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि वो बीच से फूल जाएंगे। फिर फ्रेंड्स इसको बेकिंग में डालेंगे। जो बेकिंग का जो टेम्परेचर होगा वो होगा 180 पे 7 मिनट। 7 मिनट पे इसे बेकिंग करेंगे, फिर ट्रे को पलटेंगे, मतलब दूसरी तरीके से घुमाएंगे, जिससे कि दूसरी तरीके से भी बेकिंग हो जाए, अगर कहीं भी छूट रहा हो, बचा हो जाए, तो वो भी बेकिंग हो जाती है। तो 3 मिनट इसको, 7 मिनट लगाने के बाद 3 मिनट इसे घुमा के लगाएंगे। फिर फ्रेंड्स इस चीज़ को मैंने जो एक तरह का मसाला बनाया हुआ है, जिसमें मैंने सारे तरह के हर्ब्स यूज किए हुए, उस चीज़ में मैंने ओरिगैनो भी ऐड किया हुआ है, चाट मसाला भी ऐड किया हुआ है, जिससे कि हमारा फ्लेवर अच्छी तरीके से आ जाए। फिर जब इसे मिक्स कर लेते हैं तो इस चीज़ को बेकिंग में डालेंगे। करीबन 2 से 3 मिनट इसे बेकिंग में डालेंगे सुखाने के लिए। जो भी इन्होंने हर्ब्स वगैरह चिपकी हुई है तो वो अच्छी तरीके से चिपक जाए, फ्लेवर भी आ जाए, जो हमारा चाट मसाला का भी है। सारा डाल दो फिर एक बार। सो आई होप फ्रेंड्स, जो आपको पीता चिप्स की रेसिपीज़ है आपको अच्छी लगी होगी। जब मैंने इसको बेकिंग से निकालने के बाद दोस्तों इसमें कई तरह के ओरिगैनो, हर्ब्स वगैरह मिलाए हुए थे, चाट मसाला, जिससे खाने के बाद इसमें काफ़ी तरीके से अलग सा टेस्ट आता है। तो इसीलिए मैं आपके साथ ये इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर की थी कि आपको पीता चिप्स भी होममेड तरीके से किस तरह से घर में बना सकते हैं। जो पीता चिप्स की जो सेल्फ लाइफ होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है।
तो इसीलिए दोस्तों मैं आपके साथ ये इंटरेस्टिंग जो अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। अगर आपको कुछ भी और पूछना हो तो नीचे कमेंट में जरूर पूछना, मैं उसके आंसर जरूर दूंगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी रेसिपी और नॉलेज में। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।